गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूँ जिसमें हम देखेंगे कि ड्यूक 200BA6 को हज़ार्ड फ्लैशर कैसे इंस्टॉल करना है। कि हज़ार्ड फ्लैशर आ चुका है जो कि हमने ऑनलाइन मंगाया था। तो अब पहले हम इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं क्या क्या है इसमें, फिर हम देखेंगे इंस्टॉलेशन कैसे करना है। ठीक है, तो इस पैकिंग के साथ आता है, सिमटेक कंपनी का ये यहाँ पे उसकी पैकिंग है। हम इसे अनबॉक्स करेंगे। तो हमें इसमें एक वारंटी कार्ड मिल जाता है जो एक साल की वारंटी देते हैं हमें फ्लैशर में। और इसके साथ हमें ये फ्लैशर मिलता है, सिमटेक का फ्लैशर, देख सकते हैं आप, सिमटेक का फ्लैशर, सिमटेक कंपनी का फ्लैशर है जो कि मेड इन इंडिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेड इन इंडिया लिखा है, यानी अच्छी कंपनी है। इसमें आपको मिलता है एक साल का वारंटी कार्ड। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम इसे रिटर्न कर सकते हैं। इसे मैंने अमेजोन से मंगाया है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये अनबॉक्स हो चुका है अभी, तो हम इसका इंस्टॉलेशन देखेंगे अभी। या तो कोई शूट हो सकता नहीं, बाहर जाके इसका वीडियो बनाएंगे और वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, लास्ट तक देखिए ज़रूर। और इसके रिजल्ट तो बहुत ही अमेजिंग है। तो चलो हम बाहर जाके इसका इंस्टॉलेशन करते हैं। तो गाइज, हम बाहर आ चुके हैं, तो हम इसका करेंगे अभी इंस्टॉलेशन। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इंस्टॉल करना है। बाहर आ चुके हैं, फिर देखेंगे कैसे दिखते हैं हमारे बाइक पे। तो चलो इंस्टॉलेशन दिखाता हूँ मैं आपको। ये अभी इसके हम बैक सीट निकालेंगे और नीचे इंस्टॉलेशन करेंगे। बैक सीट तो आपको मालूम ही होगा, यहाँ से निकलते हैं उसकी। तो बैक सीट निकल चुकी है, ये साइड में रखेंगे। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे तीन सॉकेट है जिसमें तीन कलर है, ग्रे, ग्रीन और रेड। और आपको यहाँ पे भी वो तीन सॉकेट दिखेंगे जिसमें ग्रीन, रेड, ग्रे तीनों कलर होंगे। तो बस हल्के से आपको ये सॉकेट निकाल लेनी है, ये सारे सॉकेट निकालने हैं। ऐसे धीरे से यहाँ पे दबा के ऐसे निकालनी है, बस हो गया। और ये रेड वाला भी, तो सॉकेट निकल चुके, तो आप में दिख रहा होगा यहाँ पे। तो उसको बस यहाँ पे इंस्टॉल करना है, ग्रीन, ग्रीन को रेड, रेड रेड सॉकेट में, और ये ग्रे, ग्रे सॉकेट में, वैसे इधर ग्रे, ग्रे सॉकेट में, और रेड, रेड सॉकेट में, और ये ग्रीन, ग्रीन सॉकेट में। तो हो गया फिट, इंस्टॉल हो चुका है। अभी इसको हम यहाँ पे साइड पे रखेंगे ताकि कोई इसको दिक्कत ना आए। तो वापस हम सीट लगा लेंगे, सीट वापस हमने जाएगा। फ्लैशर इंस्टॉल हो चुका है। तो फ्लैशर इंस्टॉल के बाद आपको ये चीज़ याद रखनी होगी कि आपका फ्लैशर प्रॉपर इंस्टॉल हुआ है नहीं, वो चेक करने के लिए हमेशा ये चेक करना कि जब आप स्टार्ट करते हैं बाइक तो इसके चारों इंडिकेटर लग जाते हैं एक साथ, दो इंडिकेटर। वापस दिखाता हूँ मैं आपको, जब आप स्टार्ट करेंगे दोनों इंडिकेटर ब्लिंक होंगे वहाँ पे, देख सकते हैं आप यहाँ पे। इसका मतलब हुआ कि हमारा फ्लैशर ठीक से इंस्टॉल हो चुका है। तो आपको मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे इसके पैटर्न कैसे चेंज करने। और सिमटेक कंपनी यहाँ पे इसमें 35 पैटर्न्स आते हैं, यहाँ पे लिखा होगा 35 पैटर्न्स आते हैं इसमें। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके चेंज कैसे करने जब आप स्विच चालू करेंगे। अब मैं इसका पहला मोड दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं फ्लैशर चालू हो गया। यहाँ पे आइए, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको बदलना कैसे है। यहाँ से लेफ्ट, राइट और मिडल, तो इसका पैटर्न चेंज होगा, देख सकते हैं आप, आगे पैटर्न चेंज हो गया होगा। देखो अभी अलग पैटर्न, पहले अलग पैटर्न था, वापस पैटर्न चेंज करने लगे, वही लेफ्ट, राइट, मिडल, पैटर्न चेंज, लेफ्ट, राइट, मिडल, अलग पैटर्न, लेफ्ट, राइट, मिडल। कुल मिला के इसमें 35 से ज़्यादा पैटर्न है, आपको जो अच्छा लगे वो रख देना आप। देखिए कैसा लग रहा है अभी,
बाइक में हजार्ड फ्लैशर इंस्टॉलेशन के बाद बाइक ज़्यादा विजिबल हो जाती है जब लाइट लाइट में। अभी तो दिन है, रात में तो बहुत खूबसूरत दिखता है। तो गाइज यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म हो चुका है। आपको कैसा लगा इसका लुक कमेंट करके बताना। और ये सिमटेक का फ्लैशर आपके 2018 के बाद सभी मॉडल को फिट होता है, चाहे ड्यूक हो या आरसी हो, दोनों में मॉडल में फिट होता है, सीट के नीचे फिट होता है। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो और KTM के नए नए फीचर्स लेके हम जल्दी लौटेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।